खूबसूरत आप देख सकते हैं कलेक्शन है यहाँ पे भी। ये देखें मिनी मिनी पॉट्स की कलेक्शन रखी हुई है और इनका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। और अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उम्मे मोहम्मद एंड यू आर वाचिंग माय चैनल उम्मेज वर्ल्ड। सो जी, आज हम यहाँ पे आ गए हैं हफ्ता बाज़ार में, DHA के हफ्ता बाज़ार में, जो कि दो दिन लगता है, हफ्ता इतवार दोनों दिन। मैं यहाँ पे आई हूँ हफ्ते के दिन और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और किस रेट में मिलती हैं। और अपने वीडियो के एंड में मैं इसका मुकम्मल एड्रेस भी आपको बताऊँगी, सो मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक शू का स्टॉल नज़र आया है और यहाँ पे लेडीज़ के बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत से डिज़ाइन के शूज़ हैं। और इसके अलावा लॉन्ग बूट्स हैं, फैंसी हैं, कैजुअल हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ मुझे पम्प्स भी नज़र आ रहे हैं, जो कि हील्स वगैरह वेयर नहीं कर सकते तो वो यहाँ के पम्प्स भी ले सकते हैं। और सब बहुत बेहतरीन क्वालिटी में हैं। और एक पम्प्स में उठाऊँगी और इसके प्राइस में पूछूँगी। भाई इसके क्या प्राइस है ये वाले के? ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत कंफर्टेबल ये पम्प्स हैं और आप कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। और प्राइस जो है इसके 600 बता रहे हैं। तो भाई आपके प्राइसेस फिक्स हैं या कुछ बार्गेनिंग हो सकती है? 500 हो जाएंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 500 हो जाएंगे, इससे कम नहीं होंगे। तो भाई आप अपने हिसाब से यहाँ पर आके देख लें और जिस तरीके से आपने बार्गेन वगैरह करवाना है वो आप करवा सकते हैं। यहाँ ऊपर भी कुछ हैंग हुए हुए हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ज़बरदस्त से हैं यहाँ पे। इसके बाद एक और मुझे कुछ सामने बच्चों के क्रॉक्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे बड़ों के स्लीपर्स हैं और वॉशरूम वगैरह के लिए जो आप स्लीपर्स यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पे हैं। और सामने कुछ क्रॉक्स हैं, तो चलें और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ह्यूज वैरायटी है बच्चों के स्लीपर्स की, क्रॉक्स की। और इसमें कुछ कैरेक्टर्स वाले भी हैं। ये सामने मुझे स्पाइडरमैन नज़र आ रहा है, इसकी हम प्राइस पूछते हैं। छोटू इसकी क्या प्राइस है छोटू जी? आखिरी क्या हो जाएंगे? ये देखें कितने अच्छे हैं यार, मतलब बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, ये ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल न्यू है। और 200 रुपीज़ बहुत ही रीज़नेबल हैं DHA के हिसाब से। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वो हम एक्सप्लोर करते हैं, तो आइए मेरे साथ। इसके बाद थोड़ा सा और आगे आ गए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मुझे हाउस होल्ड का स्टॉल नज़र आ रहा है, जहाँ पे बिग साइज़ में वॉल क्लॉक्स भी हैं, वाजेस भी रखे हुए हैं और छोटा सा ट्रैवलिंग बैग भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये बहुत प्यारे से छोटे छोटे से प्लांटर्स हैं, तो चलें इसकी प्राइस पूछते हैं। ये देखें बहुत ही क्यूट से ये प्लांटर्स हैं। इसकी क्या प्राइस है भाई? अच्छा, ये 700 का पेयर है, तो आई थिंक ये बिल्कुल ही रीज़नेबल है। 700 का पेयर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, ये फ़िक्स प्राइस है कि इसमें कुछ बार्गेनिंग भी हो जाएगी? चलें भाई, ये कह रहे हैं कि इसमें बार्गेनिंग भी हो जाएगी, तो आप यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं। और ये देखें एक डिज़ाइन इसमें ये वाला है और एक ये डिज़ाइन है, तो आप ये ले सकते हैं। और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये ओके, ये कह रहे हैं कि ये छोटा वाला 700 का पेयर है और ये जो बड़ा वाला है ये 900 का पेयर है। ठीक है, तो आप यहाँ आके विज़िट करें तो आपको इस तरह के ये प्लांटर्स वगैरह और कुछ इस टाइप के डेकोरेशन पीसेस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आगे और क्या है वो भी चल के देखते हैं। इसके बाद जो है मुझे आगे एक बहुत ही अच्छा सा एक ज्वेलरी का स्टॉल नज़र आया है, जहाँ पे एक बहुत वाइड रेंज है ज्वेलरी की, जिसमें रिंग्स हैं और डिफरेंट चेन्स वगैरह हैं, ब्रेसलेट्स हैं, इसके अलावा हैंड कप्स भी हैं। चलें इसकी भी एक दो चीज़ों की प्राइसेस हम पूछ लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक LV का नज़र आ रहा है, भाई ये इसके क्या प्राइस होंगे? ठीक है, स्टील पे तो मतलब पायदार है, ख़राब नहीं होगा जल्दी से? नहीं होता है, लाइट होता है साल डेढ़ साल में। अच्छा, ये चीज़ है जो ये सारे 700 की, ऐसे 1000 रुपये हम प्राइस बताते हैं। अच्छा अच्छा, सही। और इसमें ये वाली जो है ये इसमें और डिज़ाइन भी है। अच्छा, ये 1500-2000 रुपये तो बिक रहा है, इसका भी आम 1000 रुपये लगा। ठीक है, LV वाले, गुच्ची हो गया, कार्टियर हो गया, सही है। सारे मतलब बड़े 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 ब्रांड्स के ये सारे हैंड कप्स हैं। ठीक है ठीक है, सारे ये। अच्छा, ये रिंग्स भी बता रहे हैं कि इसमें ब्रांडेड जो सारे ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, उसकी रिंग्स वगैरह भी। अच्छा, बल्गारी, गुची, कार्टियर सब हैं, तो मुझे एक प्राइस बताइएगा इसकी, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 500 के हम बताते हैं, 400 पर। अच्छा ठीक है, इसमें कम रेंज वाले भी आते हैं। अच्छा, कम रेंज वाले भी हैं, 250 वाले तक भी आते हैं। अच्छा, वो कौन से हैं ये भी बता दें आप। अच्छा अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ आके आप जो है देख लें, मिक्स आइटम्स हैं, 300-250 वाले भी, आपकी जिस तरह की रेंज है आप वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आगे आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, तो वो भी हम चल के देखते हैं।
यहाँ पे मैं आपको एक और अच्छा ज़बरदस्त सा स्टॉल दिखाना चाहूँगी, जिधर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से सेंटर पीसेज और रग्स वगैरह रखे हुए हैं। और बड़ा प्यारा सा बच्चा है, इससे मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाऊँ तो ये बड़ा ही खुश हो गया। तो मैंने कहा चलें भाई इसके स्टॉल की वीडियो बना लेते हैं। ये मुझे बहुत प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। बेटा इसके प्राइस बताना, क्या प्राइस है, उसका साइज़ भी बताओ। हाँ, 2500 रुपये के बाद बहुत हसीन है। देखें करीब से तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बैग से भी देखें इस टाइप का है, बहुत प्यारी चीज़। अच्छा ये कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि ये स्लिप नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा और वो वाले की क्या प्राइस है कॉर्नर पे जो है? हाँ ठीक है बेटा, ये प्राइस आपके फिक्स हैं कि बारगेनिंग हो जाएगी? ठीक है ठीक है, ये कह रहे हैं कि कम हो जाएगा। और आप लोग यहाँ आके विज़िट करें, जो भी आपको पसंद आ रहा है वो आप ले सकते हैं। तो भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मुझे बहुत पसंद आई है। ठीक है और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। मेरे सामने मुझे एक और स्टॉल नज़र आया है, जिधर मिक्स्ड आइटम्स रखे हुए हैं। यहाँ पे ज्वेलरी भी है और यहाँ पे कुछ टॉयज़ वगैरह भी रखे हुए हैं। तो कुछ टॉयज़ की हम प्राइस पूछते हैं भाई से। जैसे कि यहाँ पर ये फ़िशिंग गेम रखा हुआ है, भाई ये इसकी क्या प्राइस है फ़िशिंग गेम की? ये 1000 रुपये। ठीक है ठीक है। और ये जो पियानो रखा हुआ है, ये 4000 रुपये का है। ये चार, तो ये मतलब बच्चों का है कि बड़ों का है? बड़ों का भी है, बच्चों का भी है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो आप प्राइस कुछ डिस्काउंट कर देंगे या नहीं? हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये इस तरह के लर्निंग फोन्स वगैरह भी हैं, और ये कुछ आई थिंक यो-यो टाइप बॉल रखी हुई है, मैग्नेटिक नंबर्स वगैरह हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर टॉयज़ के बहुत अच्छे अच्छे से स्टॉल्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे मुझे कारपेट का भी एक स्टॉल नज़र आया है, जहाँ भाई ईरानी स्टाइल के कारपेट्स हैं। और ठीक है ठीक है, तो कोई एक बहुत अच्छा सा जो पीस हो आपके स्टॉल पे वो हमें दिखाएं, ताकि हम अपने व्यूवर्स को दिखा सकें। हमने भाई से रिक्वेस्ट की कि कोई बहुत अच्छा सा पीस दिखाएं ताकि हमारे व्यूवर्स देख सकें। अच्छा अच्छा भाई ठीक है ठीक है। ये देखें इन्होंने ओपन किया है, क्या प्राइस है भाई इसके? अच्छा ये 8000 का कह रहे हैं। इसके अलावा ये सेंटर पीस है, अच्छा ये कोरियन है। ये इसके क्या प्राइस है कोरिया वाले के? इसका 800 रुपये। अच्छा ठीक है, और प्राइस फिक्स है या आप कुछ कम कर देंगे? कुछ कम कर लेंगे, इससे भी 100-200 रुपये कम कर लेंगे, 500 से भी कम कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ओके। ये देख लें सारी इनकी कलेक्शन, पायदान वगैरह भी कह रहे हैं कि यहाँ पे है, आप ले सकते हैं। देखें बड़े अच्छे कलरफुल से पायदान है यहाँ पे, पायदान बाथरूम के लिए, किचन के लिए, डाइनिंग। ठीक है भाई, और ये कितने के हैं, डिफरेंट प्राइसेस हैं या सेम? अच्छा भाई ये 300-300 में, तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छे हैं। देखें बहुत खूबसूरत हैं और कलर भी बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे पीसेज हैं। देखें ये एंटी स्लिप है, ये स्लिप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं और ये पायदान वगैरह भी ले सकते हैं। चलें और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा मुझे हार्ट टॉयज़ का स्टॉल नज़र आया है। और यहाँ पे ये देखें डिफरेंट हार्ट टॉयज़ हैं, जिसमें इस टाइप के आपको बच्चों के फायर ट्रक्स वगैरह मिल जाएंगे। और ये सारे इंपोर्टेड हैं, प्रीलव्ड इंपोर्टेड टॉयज़ हैं ये, और लर्निंग टॉयज़ भी हैं यहाँ पर इस तरह के, जैसा कि आप देख सकते हैं लीप टॉप का लैपटॉप है। इसके अलावा वहाँ पर एक लैपटॉप आपको नज़र आ रहा होगा, और डिफरेंट डिफरेंट बॉयज़ के कैरेक्टर्स हैं, गर्ल्स के हैं। और इनके पास और क्या क्या चीज़ें हैं, मैं इनका दूसरा टेबल भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये देखें यहाँ पे कुछ मुझे वुडन टॉयज़ भी नज़र आ रहे हैं, और ये देखें लर्निंग सॉफ्ट टॉयज़ भी हैं इस टाइप के, बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन टॉयज़ हैं ये। इसके अलावा ये देखें गर्ल्स की एक किट है, नेल ग्लो। भाई इसके क्या प्राइस हैं इसके? ये 800 लगाऊंगा। 800 इसके प्राइस हैं भाई कह रहे हैं। इसमें देखें 3 नेल पेंट्स हैं और ये स्टिकर्स वगैरह कुछ हैं, ग्लो इन द डार्क है। इसके बाद ये बॉक्स वाले भी कुछ इस टाइप के टॉयज़ हैं, तो ये आप यहाँ पे आके इस टाइप के टॉयज़ भी ले सकते हैं। ये देखें अमेरिकन डॉल भी रखी हुई है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मिक्स टॉयज़ हैं, जिसमें आपको लर्निंग टॉयज़ भी मिल जाएंगे, बच्चों के कैरेक्टर्स वगैरह। और ये देखें रैपुंजल है, जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इस टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे एक बैग्स का स्टॉल बहुत अच्छा लगा था, तो सोचा यहाँ पे हम देख लें कौन कौन से और किस किस टाइप के बैग्स हैं और इनके क्या रेट्स हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये डिफरेंट हैंड बैकपैक्स हैंग किए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ पाउचेस वगैरह रखे हुए हैं।
इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बैक साइड पे देखें तो लेडीज़ के हैंड बैग्स हैं, इसके अलावा यहाँ ट्रैवल टॉल भी रखी हुई हैं। तो हम प्राइसेस पूछते हैं, ये देखें मैकक्वीन की बहुत ज़बरदस्त सी मुझे ट्रैवल ट्रॉली नज़र आ रही है। भाई इसके क्या प्राइस हैं, ये वाले के रेड वाले के कितने बोले? अच्छा इसकी कह रहे हैं 1500 है, तो ये नॉट बैड इन 1500, बहुत अच्छी है ये ट्रैवल ट्रॉली, मैकक्वीन की है और बच्चों का बहुत बड़ा ब्रांड है ये। इसके अलावा ये देखें ये कुछ लंच बॉक्सेज हैं, ये कितने का है भाई? 250 का। अच्छा ये जितने भी हैं ये सब 250 ईच दे रहे हैं आप? अच्छा ये देखें ये 250 ईच से कह रहे हैं। और इसमें देखें बड़े प्यारे प्यारे से हैं, पाउचेज़ हैं, क्लचेज़ वगैरह हैं, इस टाइप के हैं। और ये देखें ये क्रॉस बॉडी भी है बड़ा कलरफुल सा। इसके बाद यहाँ पे भी कुछ साइड में हैंग हुए हुए हैं। यहाँ मुझे एक विक्टोरिया सीक्रेट का बहुत अच्छा लगा था बैग, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ। और सबसे अच्छी बात कि ये टैग्ड है, ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे आपको इस टाइप के ना कट पीसेस भी मिल जाएंगे। तो मैंने इन भाई से पूछा है कि ये पर कट पीस क्या प्राइस है, तो वो कह रहे हैं 100 रुपीज़ है। तो जो जिनकी छोटी बच्चियाँ हैं वो ये लेके और इससे शर्ट्स वगैरह बना सकती हैं। तो कलर भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, अच्छे कट पीसेज हैं। बाकी इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर शर्ट पीसेज भी रखे हुए हैं, तो ये आप जो है जो भी आपको पसंद हो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखें अच्छे ब्राइट से कलर्स हैं और दो दो पीसेस भी एक साथ अटैच हैं ताकि इजीली बड़े बच्चों की भी शर्ट बन जाए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा मुझे बुक स्टॉल नज़र आया है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की बुक्स जो है वो रखी हुई हैं। और इनके प्राइसेस हम भाई से पूछते हैं। इधर देखें स्टोरी बुक्स भी हैं, क्या लेडी बर्ड्स की है और क्या प्राइस है? ये 120 की 100 की पड़ जाएंगी, वैसे नए में तकरीबन 300 की है या 300। ठीक है, अच्छे ही कह रहे हैं कि ये अगर न्यू लेने जाएं तो ये 300 से ऊपर की मिलेगी, लेकिन यहाँ अगर आप विजिट करते हैं तो ये आपको 100 में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये बिग साइज की है, ये इसकी क्या प्राइस है भाई? ये भाई 600 की है, बाहर की बुक्स हैं। अच्छा कलरफुल बुक्स हैं बच्चों की। जी जी, ये मुझे सारे जो टेबल पे हैं ये सारे मुझे इम्पोर्टेड बुक्स नज़र आ रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यूएस बॉर्न की भी यहाँ पे बुक्स हैं, फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया और इसके अलावा पिक्चर इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, ये बच्चों की है ऑक्सफोर्ड रीडिंग ट्री। ठीक है, ये वैसे 6 किताबों के साथ किताबें, 6 किताबें तकरीबन कुछ 1200-1300 की है। अच्छा, ये हम लोग जो है ना लूज में कोई 80 रुपीज़ की है, कोई 100 रुपीज़ की है। वाओ, तो यानी मतलब कि आधे से भी कम प्राइस में, ज़बरदस्त बहुत अच्छी प्राइस में यहाँ पे देखें आपको बुक्स मिल रही हैं। और ये मतलब प्रेलव नहीं है, बिल्कुल न्यू कंडीशन में। वो थोड़ी यानी कि उसकी कंडीशन थोड़ी सी हल्की सी ख़राब है, इसमें ज़्यादातर ये फ्रेश है। अच्छा, ये फ्रेश पीस है ना। ठीक है, 200 ईच के हिसाब से आपको मिल जाएंगी। तो अभी सिलेबस की किताब है, आप देख लें। ठीक है, आप दिखा दें। ठीक है, ये कह रहे हैं ऑक्सफोर्ड की किताब। अच्छा अच्छा सर, यानी ये स्कूल की बुक्स भी यहाँ पे आके आप परचेज कर सकते हैं। तो ये मतलब आपको किस प्राइस में मिल जाएंगी? ये यहाँ पर जो है ना कंडीशन के ऊपर है कि 40% में आपको मिल जाएंगी। अच्छा, परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है ठीक है, सही है। ये किताब तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 3200-3300 की है। अच्छा अच्छा, 1600-1700 में आपको। चलें, ये तो बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लेस प्राइस में आपको यहाँ पे सारी ये बुक्स मिल रही है। वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिनके बच्चे कैम्ब्रिज सिस्टम में जाते होंगे तो उनको अंदाज़ा होगा। हाँ, ओ लेवल्स वगैरह की भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सा, बिल्कुल एंटर होते के साथ ही ना आपको यहाँ पे ये बुक स्टॉल मिल जाएगा। और यहाँ से आप काफ़ी अच्छी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ले सकते हैं। और ये भाई कह रहे हैं कि ये बैनर भी आप शो कर दें। तो ये पेज बने जदून ओल्ड बुक्स के नाम के। अच्छा, ये इनका फेसबुक पेज है, ये भी आप जाके विजिट कर सकते हैं, जदून ओल्ड बुक्स के नाम से है। सारी ओरिजिनल बुक्स होती हैं। ठीक है ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी पूरा जो पोर्शन है वो इन्हीं का है। यहाँ पे ये देखें काफ़ी ज़बरदस्त बुक्स हैं, आप आके अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ से परचेज कर सकते हैं। सोमल भाई जी, ये व्लॉग जो है हमारा थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि ये बाज़ार बहुत ही मज़े का है और यहाँ पे इतनी वैरायटी है कि आप यहाँ पे आएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई बहुत अच्छी चीज़ें हैं और रीज़नेबल भी हैं। और इसके अलावा जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होंगी, लेकिन वो आप जाहिर सी बात है, जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि बार्गेनिंग आर्ट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर भी आके शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ड्रेसेस वगैरह हैं, जीन्स हैं, बहुत अच्छी जीन्स की वैरायटी है, जिसमें लेडीज़ जीन्स भी मिल जाएंगी, जेंट्स जीन्स भी मिल जाएंगी। यहाँ पर भी एक बैग का स्टॉल मुझे नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेड ड्रेसेस भी हैं, शॉर्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा, बने रहिएगा, आगे और भी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे।
तो जी यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा स्टॉल नज़र आ गया है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ड्रेसेस वगैरह भी शो करवाऊंगी, तो यहाँ पे जो है आपको वाइट में कलेक्शन मिल जाएगी, इसके अलावा येलो में कलेक्शन मिल जाएगी। और काफ़ी अच्छी देखें चिकनकारी पे ये शर्ट मुझे नज़र आ रही है, इस तरह से लॉन्ग शर्ट है। इसके हम एक दो के प्राइसेस ही पूछते हैं, ज़रा पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखें बहुत खूबसूरत है और इसमें बच्चों की और बड़ों की दोनों की है। तो चले चलते हैं और एक दो के प्राइस वगैरह पूछते हैं। यहाँ पे देखें स्कर्ट्स वगैरह हैं और फैंसी स्कर्ट्स हैं जिसमें बच्चों की भी वैरायटी है, बड़ों की भी वैरायटी है। यहाँ पे सारी वाइट की कलेक्शन लगी हुई है, यहाँ पे येलो की कलेक्शन लगी हुई है। और ये देखें ये बच्चों का एक टॉप है। भाई इसकी क्या प्राइस है? 350। अच्छा ये देखें ये एम्ब्रॉयडर्ड टॉप है और ये कह रहे हैं 350 रुपये इसके प्राइस हैं। तो मतलब जितने आपको ये नज़र आएंगे सामने, ये देखें बहुत खूबसूरत हैं और ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेड है, लेकिन इनकी कंडीशन बिल्कुल न्यू जैसी है। तो इस टाइप की भी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे ये देखें बहुत हसीन एक कुर्ती नज़र आ रही है। क्या प्राइस है भाई इसके? 550 में तो आप समझें बिल्कुल आपको मुफ्त मिल रहा है। और भाई इसमें कुछ डिस्काउंट हो जाएगा? ठीक है, कह रहे हैं कि आपके लिए मुनासिब कर देंगे, तो आप यहाँ के विज़िट करें। इस टाइप की आपको ना कुर्तीज़ वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगी और फैब्रिक भी बहुत मज़े का है। और ये देखें बाहर का ब्रांड है ये, तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे ये देखें बिल्कुल छोटी बच्चियों के लिए भी बहुत अच्छी वैरायटी लगी हुई है सारी। तो चले आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। देखें थोड़ा सा और आगे आए हैं तो बच्चों के ये रॉम्पर्स वगैरह हैं और टी शर्ट्स हैं, फ्रॉक्स हैं, और इसमें आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगे। यूनिकॉर्न वाले भी हैं और कलरफुल से हैं, जर्सी फैब्रिक पे भी हैं। और थोड़ी सी जैसे अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो ये देखें पीजेज यहाँ पे हैंग हुए भी हैं। इसके अलावा शॉर्ट बॉडी रॉम्पर्स हैं, लॉन्ग बॉडी रॉम्पर्स हैं। तो हम किसी की प्राइस पूछते हैं भाई से। भाई ये यूनिकॉर्न वाले की क्या प्राइस हैं जी? 350 रुपये दिखाएँगे ये, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये आप करीब से देखें, पूरा नीचे सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है। और यहाँ पे ये देखें इस तरह से यूनिकॉर्न है। और ये मतलब किस एज के लिए है ये वाला फ्रॉक? अच्छा ये कह रहे हैं भाई कि एजेस मेंशनड होती हैं, तो यहाँ आके ना आप अपने हिसाब से जो भी आपके बच्चे की एज हो वो आप ले सकते हैं। देखें डांगरीज़ की बहुत अच्छी कलेक्शन है, काफ़ी वाइड रेंज है इनके पास। और मैं थोड़ा क्लोजअप करके भी दिखा दूँ कि इस टाइप की डांगरीज़ हैं और नो डाउट कंडीशन वाइज और प्राइस वाइज कपड़े बहुत अच्छे हैं यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ आके जो है आप अपने बच्चों के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा भाई इस वाली डांगरी की क्या प्राइस है? अच्छा ये भी 350 की रेंज में आपको मिल जाएंगी। तो ये मतलब बच्चों को घर में पहनाने के लिए कपड़े काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसके अलावा टैग्ड आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, लॉन्ग टॉप्स भी हैं। और इसके अलावा ये देखें रॉम्पर्स की बहुत प्यारी वैरायटी है। और ये जो इस टाइप के स्टॉल पर रखी हुई होती हैं चीज़ें, तो ये पर पीस के हिसाब से होती हैं। और भाई ये ईच कितने का है? अच्छा ये 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इस टाइप की आप अपने हिसाब से आके कंडीशन वाइज ले सकते हैं। ये लेडीज़ के कुछ ट्राउज़र्स वगैरह हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से, जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं तो ये वेलवेट स्टफ़ में हैं। बाकी इसके अलावा ये प्लाजो स्टाइल है। भाई ये कितने का है ये वाला? ये 450 का कह रहे हैं, 450 का। इसके अलावा ये देखें इस टाइप के भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट लगे हुए हैं बच्चों के, देखें। और ये लॉन्ग टॉप है और ये यहाँ पर जैकेट्स वगैरह आ गए सर्दियों के हिसाब से। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, इसके प्राइस पूछते हैं। ये देखें इस टाइप का है, कितने का है भाई ये? 5000। अच्छा 5000 का कह रहे हैं। और ये ब्रांडेड है? गुची का। अच्छा ये गुची का है और बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। एज अ अबाया भी आप इसको वेयर कर सकते हैं, तो बहुत ही ट्रेंडी और क्लासी सा लुक आएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लॉन्ग कोट्स हैं लेडीज़ के लिए। और भाई ये सामने जो कोट्स लगे हुए हैं इसके क्या प्राइस है? 1800। अच्छा भाई ये भी बहुत ज़बरदस्त है, 1800-1500 की रेंज में है। तो ये आप आके यहाँ पे ये भी चीज़ें बाय कर सकते हैं। अच्छा इसके आगे एक स्टॉल देखिएगा, ये यहाँ पे आपको कम्फर्टर्स वगैरह मिल जाएंगे। इस टाइप के कम्फर्टर्स हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। और नेक पिलोज़ मिल जाएंगे और मेडिकेटेड पिलोज़ मिल जाएंगे। इसकी भी हम एक दो चीज़ों की प्राइसेस पूछते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। ये देखें इस टाइप के पिलोज़ हैं और काफ़ी अच्छे सॉफ्ट पिलोज़ हैं ये। भाई ये कितने के दे रहे हैं?
अच्छा ये 250 ईच के हिसाब से दे रहे हैं। तो इसमें ना डिफरेंट वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी, जिसमें बैक सपोर्ट पिलो भी होगा और सामने देखें काफ़ी अच्छी वैरायटी है नेक पिलोज़ की और कंफर्टर्स वगैरह रखे हुए हैं। तो इस टाइप की चीज़ें भी आप यहाँ आके बाय कर सकते हैं। तो जी सबसे एंड में मैं आपको ये वाला एक स्टॉल दिखाना चाहूँगी, बहुत ही खूबसूरत बहुत हसीन वैरायटी है यहाँ पे हैंड पेंटेड हैंगिंग्स की। और ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी हैंड पेंटेड हैंगिंग्स हैं, जिसमें हॉर्स वगैरह बने हुए हैं और ये कार है। और यहाँ पे भी देखें ये स्मॉल स्मॉल हैंगिंग्स हैं। इसकी प्राइस हम पूछते हैं भाई, ये इसकी क्या प्राइस है ये वाली हैंगिंग की? 8,000 रुपीज़। ठीक है ये 10,000 रुपीज़। ठीक ये 100 से 15,000 रुपीज़। ओके ये पिजन्स है 7,000। ठीक ये हॉर्स बना हुआ ये 11,000। ओके ओके तमाम जो है ना ये सब हैंडमेड है। ठीक है ये वाला हॉर्स 10,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़, ये 5,000 रुपीज़। अच्छा और ये आपके प्राइसेस जो हैं वो फिक्स्ड हैं या कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं? हम लोग यहाँ पे तो आपको पता फिक्स वाला तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है कस्टमर जहाँ बार्गेनिंग कर लेता तो हम दे देते, क्योंकि एक ठीक है बाजार होता तो इसको कंटिन्यूसली रख के हम फिक्स प्राइस पे। सही 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 नहीं कर सकते। तो आपका कहीं और भी मतलब स्टॉल वगैरह है? नहीं नहीं ये हमारा यही डिस्प्ले। अच्छा अच्छा ठीक है। बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं कलेक्शन है यहाँ पे भी, ये देखें मिनी मिनी पॉट्स की कलेक्शन रखी हुई है और इनका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। और प्राइस ज़रा बताएंगे भाई इसकी डेकोरेशन की? 650 का एक पीस है। ठीक है बहुत प्यारा लग रहा है। और रीजनेबल ठीक है ये सेट पूरा जो है ना आपको मिल जाएगा 2,000 रुपये का। ठीक है 2,000 रुपये का सेट। अच्छा ये मिरर्स लगे हुए हैं। ठीक है ठीक है सही। हमारा थीम जो है ना एंटीक स्टाइल का और सब चीज़ें आपको एंटीक स्टाइल में मिलेंगी। ठीक है तो ये भाई कह रहे हैं ये इनका थीम ही बेसिकली एंटीक स्टाइल में है और हर चीज़ यहाँ पे आपको एंटीक स्टाइल में मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे ये स्टॉल बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करूँगी और एंड में मैं आपको यहाँ का एड्रेस भी बता देती हूँ, आपको गाइड भी कर देती हूँ कि कहाँ पे है ये वाला बाज़ार। सॉरी फिर बताइएगा भाई। 14C इनका स्टॉल नंबर है। तो यहाँ आके आप विज़िट करें और ये भाई के पास बहुत अच्छी कलेक्शन है और ज़रूर देखें। और जो भी अगर आपको पसंद आ रहा हो तो ये इस तरह के हैंडमेड आइटम्स को ज़रूर हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये लोकल आर्ट होता है और ये बहुत ही ज़्यादा अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो इसकी बहुत डिमांड है। तो जी मैं आप लोगों को एड्रेस गाइड कर देती हूँ, तो चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से आना है और किस तरफ से आना है और किधर लोकेटेड है ये। जी तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एड्रेस गाइड कर देती हूँ। DHA में ये बाज़ार लगता है और बिल्कुल सामने आपको वो हाइपर स्टार की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। और इससे बिल्कुल आपने स्ट्रेट आ जाना है। स्ट्रेट आते वक्त आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये बाज़ार आपको पड़ेगा और इसके बिल्कुल ही सामने ये बे व्यू हाई स्कूल की आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। तो ये बे व्यू हाई स्कूल के बिल्कुल सामने है और ये बाज़ार जो है वो हर सैटरडे और हर संडे को लगता है। और यहाँ आके आप ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छी कलेक्शन है यहाँ पर। लोकल आइटम्स भी हैं, इम्पोर्टेड आइटम्स भी हैं और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों को भी कोई इस टाइप की कोई जगह पता है कि कराची में कहाँ ऐसी अच्छी प्लेसेज़ हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।